नमस्कार, एबीसी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सोनिया की हिदायत। दरअसल किसी संगठन में जब कुछ कमियां होती हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है। कांग्रेस पार्टी भी यही रास्ता अपनाती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें तमाम जो राज्य हैं उनके कांग्रेस प्रभारी मौजूद रहे, महासचिव पार्टी के मौजूद रहे और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर खासतौर पर इस बैठक में फोकस किया गया। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। पार्टी के सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत करना है, इसके अलावा जो खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त कैसे करना है। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि दरअसल जब किसी राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बयान दिया जाता है तो वो बयान जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि जो आलाकमान के द्वारा बयान जारी किया जा रहा है वो निचले तबके के जो कार्यकर्ता हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है? और अगर ऐसा है, सोनिया गांधी ये कह रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं तक ही बात नहीं पहुंच पा रही है तो फिर जनता तक संदेश कैसे जाएगा? इस बैठक में जो अहम मुद्दा रहा वो ये रहा कि जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर के सरकार की घेराबंदी कैसे करनी है। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के विद्वेषपूर्ण जो व्यवहार रहा है उसको लेकर के भी सोनिया गांधी ने कहा कि इसको लेकर के कार्यकर्ताओं को, लोगों को जागरूक करना होगा। तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि पार्टी आलाकमान के द्वारा कोई बात की जाती है लेकिन वो बात कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाती है, तो जब इस तरह की खामियां हैं तो फिर अपना संदेश, खासतौर पर जब चुनाव आगे 5 राज्यों में होने हैं, तो ऐसे में अपना संदेश जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी कैसे पहुंचाएगी? बहुत अहम सवाल किया सोहन आपने, लेकिन कांग्रेस की राजनीति की यही विडंबना है कि जो कील काटे उन्हें दुरुस्त करना चाहिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको दुरुस्त करने की वो जरूरत तो महसूस करते हैं, लेकिन सवाल है कि जिस इनिशिएटिव पर वो आगे बढ़ते हैं उसको लेने की बात करने के लिए जो कुछ भी पहल करनी चाहिए वो या तो आप नीचे से करेंगे या तो आप ऊपर से करेंगे, एक स्थान से उसकी पहल करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जो ये पार्टी है वो गांधी जी के सिद्धांतों पर विश्वास करती है। गांधी जी वही करते थे जो वो किया करते थे, तो सत्य का शोधन करना चाहिए और सत्य की स्वीकारोक्ति में कोई बुराई नहीं है। और बहुत अहम बात जब आप इसकी शुरुआत की कि ये क्या कारण है कि हम जनता से कनेक्ट होने से पहले अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और सच में यही कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है और यही उसके लोकप्रियता की जो सीमा इस समय तय हो चुकी है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पर जिस संवाद की दरकार है वो संवाद हो सकता है कि आलाकमान के स्तर से तो शुरू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद जब सेकंड लाइन पर आती है और थर्ड लाइन पर आती है और उसके बाद आम कार्यकर्ताओं से लेकर के वो जनता के बीच जाती है तो सब कुछ ढह जाता है और यही पर संगठन एक रूप में होकर के कार्य करता हुआ नहीं दिखता है। और शायद यही कारण है कि एक बहुत पुरानी पार्टी एक मजबूत कैडर के साथ इस कदर से सोई हुई सी दिखती है, एकदम तहस नहस स्थिति में दिखती है कि उसकी बात या तो दिल्ली में पार्टी हाईकमान के प्रमुख पदाधिकारी के तौर पर सोनिया, प्रियंका या राहुल की बात सामने आती है, और या तो प्रदेशों के कुछ ऐसे नेताओं की जो सीधे सीधे सोनिया, प्रियंका या राहुल के नजदीक हैं उनकी बात सामने आती है, उसके बाद संगठन से के और पदाधिकारी या उसके नीचे के लोगों तक को बात ही नहीं पहुंच पाती सोहन। और यही वो समस्या है जिसमें तमाम को सोनिया गांधी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी तरफ से की जा रही है लेकिन उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा, और इस बात को वो इनडायरेक्टली स्वीकार भी करती है जब वो अपना वक्तव्य दे रही होती है या संबोधित कर रही होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ भी इनिशिएटिव लेना है वो खुद कार्यकारी अध्यक्ष के पर सोनिया जी को लेना है, प्रियंका को लेना है, राहुल को लेना है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो 30 नेता नाराज होकर के अपनी बात रखना चाह रहे हैं और जब वो हिदायतें देती हैं कि आप हम सीधे संपर्क करिए
किसी मीडिया के जरिए या और अन्य चैनल के माध्यम से मेरे पास अगर आप आते हैं तो आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। शायद कि प्रकारांतर एक हिदायत ही नहीं कि वो धमकी है, और इस धमकी का असर बहुत बुरा हो रहा है। इस कटु बात को अगर कांग्रेस अध्यक्ष जल्दी समझेंगे तो हो सकता है उसका परिणाम बेहतर हो, अन्यथा दो तीन बार जो कहे जाते हैं जो है, वही अच्छा, यहाँ पर आपने पिछली जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसका जिक्र किया, जिस तरह से सोनिया गांधी ने उसमें तल्ख तेवर दिखाए थे, उन तल्ख तेवरों को लेकर के मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, और ये बेहद अहम सवाल है। जिस तरह से G23 के नेताओं को साफ तौर पर कहा था कि आपको अगर कोई बात करनी है तो आप सीधे मुझसे कीजिए, आपको मीडिया के सामने जाने की जरूरत नहीं, एक तरह से तल्ख अंदाज सोनिया गांधी ने दिखाया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं ही हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं ये इन अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं कि मैं ही हूं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सोनिया गांधी के जो तेवर दिख रहे हैं ये उनका राजनीतिक कौशल है या फिर गांधी परिवार का जो दबदबा रहा है उसको बनाए रखने की जो है एक तरह से कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और अगर जिस तरह का दबदबा दिखाने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर मुखालफत भी देखने को मिल सकती है इसको लेकर। निश्चित रूप से सोन, बहुत ही गंभीर सवाल फिर आपने किया, और फिर ये दूसरी समस्या है। एक बार ये कहा जाता है कि मैं हूं जो कुछ भी हूं, आप मुझसे संपर्क करिए, मेरे अधीन रहिए, और राजनीति में जो किसी राजनेता का ये तौर तरीका होता है वो जब दौर बदलता है तो उसका स्वरूप भी बदलता है। ठीक है, आप पार्टी के प्रति आस्था रखिए, नेता के प्रति आस्था रखिए, लेकिन आस्था जब एक चरण छूने वाले नेता के तौर पर किसी की आने लगती है तो उसकी मान्यता पर बड़ा असर पड़ता है, उसकी लोकप्रियता पे बड़ा असर पड़ता है। आपने जो सवाल पूछा और जो मैंने पहले बताया, हो सकता है उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। जब गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को यह कहना पड़े कि हमें पूरी आस्था है पार्टी के प्रति, लेकिन कुछ ऐसी बातों की दरकार या जरूरत है जो अगर तो पार्टी आगे बढ़े, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि फिर पार्टी में किस स्तर पर हाई कमान में ही एक खेमे बनती है। और उस खेमेबंदी की तरफ मैं सोन बार बार कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी का कोई खेमा चाहता है तो वो सोनिया का खेमा नहीं मानता है, और यही चीज पंजाब में दिखा और अन्य राज्यों में भी यही दिखता है। और इसके बावजूद भी जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया आती है तो अपनी सर्वमान्यता को दिखाते हुए वो इंदिरा के पीरियड का याद करते हुए जब वो कांग्रेस के हाई कमान के स्तर को उसकी ताकत दिखाने की कोशिश करती है तो शायद वो में भूल कर रही होती है कि पिछले कई सालों से या आप कह सकते हैं 1.5 दशक से कांग्रेस स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है जमीनी स्तर पर कि उसपे बहुत काम करने की जरूरत है, और वही वो समस्या है जिसको एड्रेस कर पा रही है, लेकिन उसको किस तरह से ठीक किया जाए तरीका भी जानते हुए उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, और शायद यही कारण है और यही एक सीमा है जिसके कारण से पार्टी हाईकमान और अन्य नेताओं के बीच संवाद होने के बावजूद संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसी पार्टी में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, अगर उन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के प्रति आस्था है तो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा, उसको लेकर के सवाल खड़े होना लाजमी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपको नजर नहीं आता है, और अगर विकल्प है भी तो क्या उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है? क्योंकि इस वक्त पार्टी का जो हश्र हो रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी को उस पर उसके बारे में सोचने की जरूरत है, और क्या जिस तरह से सोनिया गांधी तल्ख तेवर दिखा रही है उसकी मुखालफत करने की हिम्मत किसी में नहीं है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। सोहन, आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसको मैं खुले रूप से अगर मैं बताऊं तो हो सकता है मैं कांग्रेस विरोधी कहा जाऊं, लेकिन सच यही है कि अगर माँ बेटे और बेटी के अतिरिक्त कांग्रेस में और कोई अपने ताकत अपनी मौलिकता दिखाने की कोशिश करता है तो उसको दबाने के, उसको महत्वहीन करने के तमाम वो तरीके अपना लिए जाते हैं, उसको दिखाए जाते हैं कि वो संदर्भहीन हो जाता है, प्रसंगहीन हो जाता है और महत्वहीन हो जाता है। और ये स्थिति आते आते आप देखें कि कांग्रेस के इन बुरे दिनों में जितने प्रखर नेता विपक्ष के नेता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आया करते थे, आज उन नेताओं का हश्र क्या है? और इसको जानने के बावजूद भी अगर आला कमान अपनी स्थिति को ठीक नहीं करना चाहता, और आला कमान कहने से मतलब मेरा सीधा साफ है सोनिया, प्रियंका और राहुल, और सोनिया, प्रियंका और राहुल की वस्तु स्थिति क्या है, वो एक कार्यकर्ताओं के स्तर पर
पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के स्तर पर वो सर्वे सर्वा हो सकते हैं, लेकिन जनता वो उनसे किस तरह से कनेक्ट हो पा रही है, शायद इसका मूल्यांकन करते हुए भी वो मूल्यांकन करते हुए नहीं दिखना चाहते। और जब ये स्थिति है, जो सत्य को स्वीकारने वाली बात है, जब वो सहज नहीं होती सोहन, तो वस्तु स्थिति यही होती है जो आप देख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि पार्टी का जो कैडर है वो एक दो और तीन लाइन में विभाजित है, और इन तीनों लाइन में जो कनेक्शन होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी बेहद कमी है। लोकसभा चुनाव होने और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो खुद चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं। आपसे एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में हैं, क्या विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में लड़ना स्वीकार करेगा, और क्या अगर कांग्रेस पार्टी अगुवाई करती है तो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा विपक्ष? सुमन, इस सवाल का जवाब तो आप भी जानते हैं, और लालू प्रसाद यादव का बयान 48 घंटों में क्या है आप देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस को, और देखिए, हम लोग जरूर आपके सवाल पर, और जब मैं जवाब दे रहा हूं तो मैं हंस रहा हूं, लेकिन सच है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति सिर्फ एक बहुत स्थानीय स्तर की पार्टी का बना दिया जाता है, और लालू प्रसाद यादव को ये बयान अगर देना पड़ा है, ठीक यही बात उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव कहने लगे कल, और बंगाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कही रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा की भूमिका नहीं है। हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर एक कैडर है इनका, और अखिल भारतीय एक स्वरूप है, पुरानी पार्टी है, इसलिए इसको ये ढो रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा का स्तर और उसका जो कद काठी जो होनी चाहिए वो है ही नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, आलाकमान के स्तर पर, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसके स्तर पर इतनी संवादहीनता है, इतनी जड़त्व की स्थिति है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी, और कम से कम राहुल के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता हूं। और देखिएगा, ये स्थिति ऐसी आएगी, विपक्ष की एकता जो है उसी स्तर पर जाकर के धराशायी हो जाएगी, और उन स्थितियों में सोहन कांग्रेस की यह मजबूरी हो जाएगी वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपनी अहमियत दिखाते हुए और अन्य दलों के साथ किसी अन्य नेता की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, और ये बेहद अहम सवाल है। भारत में कहावत है कि हर मर्ज का जो है इलाज जरूर होता है, और अगर इलाज नहीं है तो फिर जुगाड़ जरूर होता है। आपसे सवाल लेना चाहूंगा, आप जो पार्टी के प्रमुख पद हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी के अलावा किसी को देना नहीं चाहते हैं। आपकी आवाज़ को कार्यकर्ता नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज़ कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको संगठन को मजबूत भी करना है, इस मर्ज का इलाज क्या है? अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं रास्ते तो होंगे ना, विकल्प तो होंगे ना, किन विकल्पों पर कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत? सोहन, अगर आप ये जानना चाहते हैं, हो सकता है कि राहुल गांधी जब 2019 का चुनाव हारने के बाद ये निर्णय लिया था कि वो अब अध्यक्ष पद पे नहीं रहेंगे, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष पद से हटाते हुए सक्रिय राजनीति से हटने का एक निर्णय लिया था कुछ दिनों तक। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतना त्याग करने की हिम्मत है, और एक बार ये माँ बेटे और पुत्री एक साथ मंथन करके अगर ये निर्णय ले लें और अपने छत्र छाया में किसी नेता को आगे ले आए, यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, वस्तु स्थिति, वर्तमान स्थिति यूं ही चलती रहेगी, और कांग्रेस पार्टी यूं ही अपने आप को अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़े पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती रहेगी, लेकिन उसकी स्थिति क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा और कुछ नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो मैं ही हूं से सब कुछ काम नहीं चलने वाला है। आपको याद होगा CWC की बैठक में जो इससे पहले हुई थी, उसमें सोनिया गांधी ने मैं ही हूं शब्द का इस्तेमाल किया था कि आप मुझ तक आइए, मुझसे बात कीजिए, लेकिन क्या बात करने से बात बन जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बैठकें लगातार चल रही हैं, 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, संगठन को मजबूत करना है, लेकिन संगठन मजबूत कैसे होगा जब कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? जब आपके कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जनता आपकी बात को कैसे सुनेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो तमाम खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए
कांग्रेस पार्टी कौन से कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीसी न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।